आज हम लोग का बनेगा मछली का अंडा। तो वैसे तो हमको बनाना नहीं आता है, तो YouTube। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जोहार, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरी और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी है शाम का समय और अभी हम नाश्ता वास्ता बना रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड बना रहे हैं सूजी, तो उनको सूजी भूनने के लिए दिए हैं। और इधर हम अंशु को स्टडी करवा रहे थे, तो इधर देखिए अंशु यहाँ बुक्स छोड़ करके वो भी चले गया किचन, जहाँ उसके पापा मतलब सूजी भून रहे हैं ना, तो वो साइड में है। और दोस्तों इधर देखिए, आज हम इतना सारा कपड़ा धोए और देखिए चारों तरफ कपड़ा का भंडार इधर पड़ा हुआ है, उधर मच्छरदानी ये वो सब धो दिए, पर्दा वर्दा, आज मतलब बहुत सारा काम किए कपड़ा वपड़ा धोए। चलिए चलते हैं किचन, देखते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, इधर सूजी बना रहे हैं। सूजी बहुत जोर से भूख लगा है, नाश्ता के लिए सूजी बना रहे हैं। तो ये है शाम का नाश्ता और आज हम लोग का बनेगा मछली का अंडा। देखिए तो हम लोग मछली का अंडा बनाएंगे आज। तो आज मेरे हस्बैंड मछली का अंडा लेके आए हैं। तो दोस्तों इधर देखिए, अभी हम लोग को यहाँ पर खाएंगे और देखिए हम लोग का नाश्ता। तो ये हम लोग का सस्ता डाइनिंग टेबल है, तो हम लोग इसी के ऊपर में मतलब बैठ उठ के मतलब यहाँ बैठते हैं और यहाँ से हम लोग खाते हैं। तो चलिए खाते हैं। तो वैसे तो हमको बनाना नहीं आता है, तो YouTube में देख देख के हम भी थोड़ा बहुत सीखे हैं। तो यहाँ इतना जितना था घर में उतना से ही हम लोग बनाएंगे। तो ये देखिए बेसन निकाल के रखे हैं और इधर प्याज मिर्चा और लहसुन मतलब कूट के रखे हैं, और ये चावल था हम लोग का चावल गूंडी, तो उसको हम लोग उसमें डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। और ये मेरा तेल गर्म हो रहा है, तो अभी यहाँ हम सब कुछ डाल दिए, प्याज मिर्चा हल्दी नमक ये सब डाल दिए हैं। और ये मेरा बेसन है, देखिए ये बेसन है, तो बेसन को भी डाल देंगे। थोड़ा सा पहले चावल डाल देते हैं, ये मेरा चावल गूंदी था ना, तो बस इतना इसको डालेंगे, इसमें इतना ही डालेंगे। और ये बेसन, अब इसको सानेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हम यहाँ सान के रेडी कर दिए हैं और देखिए मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए बन के रेडी हो गया है। तो ये तीन ठो हमने बना है और बना, चम्मच ले लिए हैं, तो चम्मच से बनाते हैं। देखिए इधर, वाह ये तो बहुत अच्छा बन रहा है, चम्मच से अच्छा हो रहा है ना। हाँ चम्मच से अच्छा हो रहा है, इसका खुशबू सुन के तो और भूख लग रहा है। और दोस्तों एक टेस्ट करके हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या गरम, फर्स्ट टाइम बनाया हूँ और इतना अच्छा लगा ना, अब नेक्स्ट टाइम और भी बनाएंगे। देखिए खाते देखिए, बहुत टेस्ट लगा, अच्छा है ना। और दोस्तों देखिए, हम लोग दो ठो खा लिए, एक बचा है, और इधर अभी हम लोग छानने के लिए दे दिया है। तो अभी जल्दी जल्दी करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गया है और बहुत अच्छा लगा ये। और दोस्तों देखिए, हम लोग का पकौड़ी बन के तैयार हो गया है,
और इधर अभी हम लोग का चोखा बनेगा, तो यहाँ आलू का चोखा बनेगा और वहाँ जो गाजर भी मतलब बॉयल कर दिए थे हम लोग, कुछ ना कुछ हम लोग मतलब ट्राई करते रहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ मिर्चा प्याज के साथ उसको सानेंगे तो हम लोग का बनेगा चोखा। और उसके बाद अभी हम लोग खाना वाना जल्दी जल्दी करके निकालेंगे क्योंकि अभी रात भी बहुत ज़्यादा हो गया है और अंशु पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर लेगा उसके बाद हम लोग को मिल के अभी खाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग का खाना यहाँ पर निकाल लिए हैं, पूरा मतलब सामान वामान यहाँ लेके आ गए हैं और उधर अंशु पढ़ाई कर रहा था तो अभी उसको भी बोले हैं खाने के लिए। देखिए अभी हम लोग का क्या क्या बना है आपको दिखाते हैं। और ये भी यहाँ पर बैठ गए हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें है हम लोग का चटनी, टमाटर की चटनी, और इसमें है चावल, और इसमें सुबह का रोटी बचा है तो उसको भी हम लोग खा लेंगे, और ये है आलू चोखा देखिए, और ये है हम लोग का पकौड़ी। तो दोस्तों हम लोग का हो गया खाना पीना और हम लोग बनाए थे मछली का अंडा का पकौड़ी बनाए थे तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब बनाए थे तो मतलब ट्राई किए तो अच्छा ही लगा। वैसे तो हमको बनाना वाना नहीं आता है तो यूट्यूब से देख देख के ये सब सीखे हैं। तो अभी हो गया है रात का 11 बज रहा है। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।